back to my YouTube channel Nikonomics, and also welcome back to the second part of this video. So I hope आज जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको उनका why to मिल गया होगा, right? तभी उन्होंने choose किया होगा कि how to become an economist. So, आज की वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात आपसे करने वाला हूँ उस जर्नी की जिसको आपने एक बार अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाउ टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क. सबसे फर्स्ट थिंग जो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है वो याद रखना है कि 12th जब आप अपनी 10th से 11th में जाते हैं, 11th लेवल पे आपकी स्ट्रीम क्या होनी चाहिए. स्ट्रीम आपके पास तीन होती है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस. So, आपको एक चीज याद रखनी है, कई स्कूल्स के अंदर ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स नहीं होती. टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स इज नेसेसरी सब्जेक्ट. सो इकोनॉमिक्स विद मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स, साइंस विद इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स. जो पीसीबी में है उनको मैथ्स भी लेना पड़ेगा. तो आपके पास एक मैथ्स एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है स्टूडेंट, जो आपके पास होना ही चाहिए. कई स्टूडेंट्स करते क्या है, कई स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को आगे तक मतलब इकोनॉमिक्स के करियर ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स तो लेते हैं बट मैथ्स नहीं लेते. मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट से, यू आर हाईली मिसगाइडेड. अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है और आप आगे तक इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव मैथमेटिक्स आल्सो. बिना मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस के, बिना स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशंस के आप अपनी इकोनॉमिक्स को इन डिटेल नहीं पढ़ सकते, राइट? तो ये मेरा सजेशन है आपको कि आप मैथ्स जरूर लें. बात आती है फ्रेंड्स फिर ग्रेजुएशन डिग्री की. जब आपकी 12th कंप्लीट होगी तो 12th में दो चीजें आपने बहुत ध्यान रखनी है. काफी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस ऐसा नहीं होता स्टूडेंट कि आप मार्च में अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे एंट्रेंस नहीं. अगर आपके दिमाग में पहले से ही है दैट यू वांट टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट तो अपने इकोनॉमिक के अफेयर्स को करंट अपने टिप्स पे रखें, राइट? और ये कैसे हो सकता है, बाय स्टडिंग योर इकोनॉमिक टाइम्स. न्यूज़पेपर आपके पास आता है आजकल तो अगेन साइंस टेक्नोलॉजी, तो उसकी वजह से आपके पास मोबाइल पे एप्लीकेशन है, इंटरनेट पे आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. आप उस कंटेंट से इकोनॉमिक्स के डेली के जर्नल्स पढ़े और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके क्या क्या आइडियाज हैं उनको डेफिनेटली पढ़ना शुरू करें फ्रेंड्स. और डेफिनेटली ये चीजें आपको इनिशियली समझ में नहीं आएंगी. आज के टीचर्स, जो भी आपके टीचर्स हैं, वेदर आपके ट्यूशन टीचर्स हैं, वेदर आपके स्कूल टीचर्स हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे उन जर्नल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट लेना शुरू करें. क्योंकि जो सही चीज की स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स वो अभी से, जिस टाइम आपके माइंड में आइडिया आया उसी टाइम से होती है. सेकंड टाइम हम जो भी चीज करते हैं वो एडजस्टमेंट होती है, वो चॉइसेस नहीं होती कभी भी हमारी, याद रखें. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम उसको शुरू करें, ठीक है? पहली चीज ये. दूसरी चीज फ्रेंड्स आपको माइंड में रखना है दैट यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 95% इन ऑर्डर टू गेट अ रेप्यूटेड कॉलेज, राइट? एक अच्छे कॉलेज के लिए आपके पास 95% तो होना ही चाहिए मिनिमम, तभी आप बैचलर्स में एडमिशन लेंगे. अब बैचलर्स के लिए व्हाट वी हैव टू चॉइसेस, बीए इकोनॉमिक्स एंड बीएससी इकोनॉमिक्स, दैट इज बैचलर्स इन आर्ट्स एंड बैचलर्स इन साइंस. सो ये दोनों है, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स. क्योंकि आप बीएससी की बात कर रहे हैं तो बीएससी में आपके पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन एक एडवांस लेवल पे होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज बीए इकोनॉमिक्स देती हैं जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स देती हैं. स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान देनी है, अगर हम इकोनॉमिस्ट बनने की सोच रहे हैं तो वी मस्ट गो फॉर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीएससी इकोनॉमिक्स. बीए इकोनॉमिक्स नहीं, ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ते हैं, मैथमेटिकल स्टैट्स का पोर्शन कम है तो इसको इतनी प्रिविलेज नहीं मिलती. अगेन सजेशन आपके लिए ये है कि अगर आपके पास बीएससी या फिर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो आपको एक अपर एंड मिलेगा. तो ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है? बात कर लेते हैं बैचलर्स प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटीज. वैसे तो फ्रेंड्स हमारे नेशन के अंदर बहुत सारी, मैंने सिर्फ यहाँ पे फिलहाल बात करी है इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया की यूनिवर्सिटीज की. इसके अलावा फॉरेन में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज है, उसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर डाल दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी कंट्री में और उनके एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है, राइट? बट अब फिलहाल बात करते हैं इंडिया की. तो ये इंडिया की कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है. मैं ये नहीं कह रहा कि यही यूनिवर्सिटीज है, ये वो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है जिनकी डिग्री को आप ना केवल इंडिया में ग्लोबली कहीं पे भी इनको एक्सेप्टेंस है, राइट? सो इसके अलावा आप अगर किसी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड अपनी पूरी रिसर्च करें अच्छे से, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री देखें, एकेडमिक हिस्ट्री क्या है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, सब कुछ. तो पहले बात करते हैं नॉर्थ रीजन में. तो नॉर्थ रीजन में तो हमारे पास आप सब जानते हैं बिना बताए दिल्ली यूनिवर्सिटी. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक पर्टिकुलर कॉलेज है जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट फ्रेंड्स? ये एक
रेनाउंड इकोनॉमिस्ट इंडिया के वी के आर वी राव सर, उन्होंने स्टार्ट किया था। वी के आर वी राव इतने रेनाउंड इसलिए क्योंकि वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग साइंटिफिक तरीके से की थी। तो डीएससी उन्हीं के थ्रू स्टार्ट किया गया है। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसको ध्यान में रख के उसी जैसा एक कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने की कोशिश की गई थी। फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, लेडी श्रीराम कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, मिरांडा हाउस है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जो हमारे पास नॉर्थ जोन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है। फिर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, अगेन ये भी एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है। जैसे कि अभी आपने वीडियो क्लिप देखी, वीडियो क्लिप में आपने सबसे पहले इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को देखा, अमर्त्य सेन यहीं के एलुमनाई बनाए हैं। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। फिर वेस्ट रीजन में हम देखें तो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में भी है। फिर हमारे पास सिम्बियोसिस बिट्स पिलानी कार्मेल कॉलेज है और फर्गसन कॉलेज पुणे में है। साउथ रीजन में हमारे पास क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन इस यूनिवर्सिटी का अपने आप में एक बहुत ज्यादा नाम है। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, सेक्रेड हार्ट कॉलेज और सेंट मेरी कॉलेज। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिवर्सिटीज है जो बीए इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है। बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, डीएवी कॉलेज, अगेन प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। हर कॉलेज का अपना एक एंट्रेंस है स्टूडेंट और मेरिट है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ISBF में बता देता हूँ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज को ध्यान में रखते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने सब्सिडरी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि अपने इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड स्टार्ट किए जिनको जो इंडिया में किस नाम से ISBF के नाम से। ये सिंगापुर में भी है, ये श्रीलंका में, काफी सारी कंट्रीज में भी है। फिर IIT भी हमें BSc ऑफर करता है लेकिन क्योंकि IIT है और BSc है तो इसकी BSc 4 ईयर का प्रोग्राम है। लेकिन हाँ आपको मास्टर्स में हेल्प मिलेगी क्योंकि मास्टर्स यहाँ पे फिर 1 साल का हो जाएगा। सो ये साउथ रीजन में आ गए, ये वेस्ट रीजन में आ गए फ्रेंड्स हमारे पास बैचलर्स। बैचलर के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है फ्रेंड्स मास्टर्स का। अगेन जो लेगेसी आपने शुरू की वो बंद नहीं होनी चाहिए। 10th की परसेंटेज हेल्प करेगी 11th के एडमिशन के लिए, 12th की परसेंटेज हेल्प करेगी बैचलर्स के एडमिशन के लिए, बैचलर्स की प्रिपरेशन हेल्प करेगी मास्टर्स के एडमिशन के लिए। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप अपने बैचलर्स में एटलीस्ट 60% दैट इज फर्स्ट डिवीजन होल्ड करें एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और उसके बाद होते हैं एंट्रेंस। और मीनवाइल स्टूडेंट आपने बिल्कुल नहीं बोलना है इकोनॉमिक्स के जर्नल्स, आर्टिकल्स, टॉपमोस्ट जो इकोनॉमिस्ट है उनके रिसर्च पेपर, ये आपने पढ़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि आप सोचेंगे कि जब मैं अपनी PhD करूंगा तभी ऐसा कुछ करूंगा, तब कुछ नहीं होता फ्रेंड, जो होता है वो अभी होता है। अभी से करेंगे तब उस टाइम तक होगा, अभी नहीं करेंगे तो उस टाइम पे भी नहीं होगा। सो ये चीज फ्रेंड्स आपने क्या करनी है, ये चीज आपने अपने दिमाग में डाल के रखनी है, ठीक है। एक बार में बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, डेली बेसिस पे 15 to 20 minutes कोई भी आर्टिकल पढ़े, राइट, जितना समझ में आता है समझे, नहीं तो फिर अपने टीचर को जाके परेशान करने का काम ही होता है। आपको गाइडेंस देना, आपको समझाना, नहीं समझाए ये बोल करके कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है मत समझो, बोलो सर सिलेबस का पार्ट नहीं है तो भी एक्स्ट्रा समझाओ, मुझे एक्स्ट्रा क्लास देके समझाओ, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर आ जाती है फ्रेंड्स बात मास्टर्स की, तो मास्टर्स में भी ऑप्शन आ गए MA इकोनॉमिक्स और MSc इकोनॉमिक्स, राइट। अगेन इन दिस केस आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर MA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स को ज्यादा अपर एंड मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगेन माय फेवरेट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका एंट्रेंस है स्टूडेंट्स, आप इसका एंट्रेंस देंगे उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बिसाइड्स JNU, लॉयला कॉलेज, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सो दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस विच आर ऑफरिंग यू MA इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर यहां बात करते हैं MSc इकोनॉमिक्स की। ISI बहुत रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, IGIDR, राइट, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपने वहां पे देखा, IIT और TERI। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जो हमें MSc और MA ऑफर कर रही है, राइट। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है, सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं, आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरे खाने में गुजर जाती है, तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके। पढ़े लिखे लोग ना आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं और अनपढ़ लोग कुर्सी गर्म करके देश की बाट लगा रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, पढ़ लिख कर लोग माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी का जो मालिक है वो खुद एक फेलियर है। सुधर जाओ बे, वरना एक दिन मैं ही तुम पे राज करूंगा। तो कहावत है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब, एकदम सही कहावत है। पढ़ाई में पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है अपना एंटरटेनमेंट करो, पिक्चर देखने जाओ, लोनावाला में जाके चिक्की खाओ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखा उस वीडियो क्लिप को यहाँ पे दिखाने का एक डेफिनेटली मोटिव था जो कि आपको शायद समझ में आ ही गया होगा। ऐसा होता फ्रेंड्स
समटाइम मास्टर करते करते हम भी कहीं ना कहीं अपना पेशेंस लूज कर चुके होते हैं, क्योंकि मास्टर्स तक आते आते इतने एंट्रेंस देना, उसके बाद हर अपने सेमेस्टर के अंदर अपनी परसेंटेज को होल्ड करना, सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार हमें भी लगता है, क्योंकि हमारे जो साथ में बैचमेट्स होते हैं उनके अच्छे प्लेसमेंट्स हो जाती है, उनको कैंपस प्लेसमेंट मिलती है, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें इंसेंटिवाइज करती है कि यार बहुत होगी पढ़ाई, अब करते हैं बात काम की। जितना पढ़ना तो पढ़ लिए, अच्छा खासा काम मिल रहा है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है। आप इकोनॉमिक्स है, इतना इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिमाग में चीज समझ में आ जाएगी, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया जाता, क्योंकि लॉन्ग रन में स्टूडेंट आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा होता है, ये तो आपने डेफिनेटली पढ़ा ही है, नहीं तो पढ़ लेंगे आप। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि शॉर्ट टर्म में आपको, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार पैसे कहाँ से लाऊंगा पढ़ने के लिए, अच्छा 60,000 रुपए सैलरी मिल रही है, अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट उस 60,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 60,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू हैव टू पे बाय योर करियर, जो कि किसी और लेवल पे पहुंच सकता था, लेकिन वो 60,000 के एक बेट के चक्कर में आपने क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो स्टूडेंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, स्टिल देयर लॉट टू डू, तो ये चीज नहीं भूलना है। समटाइम लोग भी हमारे पास आते हैं कि कितना पड़ेगा, छोड़ पढ़ाई को, ऐसा भी होता है, हमें उन्हें भी ध्यान नहीं देना, और इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद वैसे भी आप रैशनल डिसीजन मेकर बन जाओगे, इन लोगों के बाद वैसे भी आप कम ही सुनोगे, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग अपना काफी पार्ट जो होता है वो लूज करते हैं, वो होता है हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स कई बार हमारी स्टडीज को इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो भी हमें बोलते हैं कि आप एक काम करो, जॉब करो, पढ़ाई जितनी हो सकती थी कर लिया आपने। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, वो पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ को छोड़े या अपने पैशन को गिव अप करें, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, नहीं कन्विंस होते तो थोड़ा सा झूठ बोले, कहीं और ट्यूशंस वगैरह पढ़ा ले या कुछ भी कर ले। क्योंकि फ्रेंड्स एक बात बोल रहा हूँ, झूठ बोलूंगा, झूठ बोलने का आइडिया दिया, हो सकता है बहुत से लोग बोल रहे होंगे झूठ बोलने को सिखा रहा है, लेकिन आप एक बात सोचो, आपके पेरेंट्स ये भी तो मना करते हैं ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो, फोन में गलत चीजें मत देखो, तब भी तो देख ही रहे हो ना छुपा करके, जब छुपा के गलत काम कर सकते हो या तो छुपा के एक अच्छा काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, इस चीज को आपने भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको अर्निंग की बात है ना, अर्निंग का एक तरीका बताता हूँ ना, जब आप अपनी मास्टर्स खत्म करेंगे देन यू विल अपेयर फॉर एनईटी एग्जाम, दैट इज यूजीसी एनईटी, एनईटी में गो फॉर जेआरएफ। अगर स्टूडेंट्स आप जेआरएफ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की रिसर्च के अकॉर्डिंग आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एक पोजीशन होल्ड करते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट एक स्टाइपेंड देती है 35,000 पर मंथ, एंड आई थिंक कि ये अमाउंट एक सफिशिएंट अमाउंट होगा टू सस्टेन योर फैमिली। हाँ हो सकता है आपकी फैमिली नीड ज्यादा है, बट ठीक है, जब आपकी फैमिली ने इतना किया तो एक और चीज आप अफोर्ड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो आपको याद रखनी है, जो ये हमें लगता है ना कि ये जो जर्नी हम पीएचडी कर रहे हैं, हम ट्वेल्थ कर रहे हैं, जैसे एक फेज आता है, हम पूरी पढ़ाई करते हैं, ट्वेल्थ एक फेज होता है, फिर हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फिर मास्टर्स एक फेज होता है, फिर जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फिर एंड हो जाता है, राइट, पीएचडी के बाद। तो ठीक है, बट फ्रेंड्स एक बात कहता हूँ, ट्वेल्थ जब स्टूडेंट ट्वेल्थ में होता है तो उसको लगता है कि यार ये एक साल की मेहनत है। मैं आपको एक ही चीज करूंगा रिकमेंड, आपको हमेशा जो मोटिवेट रखेगी, ये एक साल की मेहनत नहीं होती स्टूडेंट, ये 15 साल की मेहनत होती है जो आपको ट्वेल्थ में लेके आती है, राइट। सोच के देख लो, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, इसके बाद आपके पास फर्स्ट से लेकर 12, तो 3 साल उधर, 12 साल इधर, 15 साल की आपने मेहनत करी, तब जाके आप 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए अपेयर हो सकते हो। सो अगर आप इसे एक साल की मेहनत बोल के छोड़ दोगे तो आपने अपनी एंटायर पीछे की हिस्ट्री को क्या कर दिया, दैट ऑल इन वे। तो ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है कि वो कहीं से भी आपको गिव अप नहीं करना है, किसी भी आगे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। सिमिलरली जब फ्रेंड्स बात यहां तक की आती है तो ये मत सोचना कि हो गया 5 साल ही तो है या जो भी है, ये 5 साल नहीं है स्टूडेंट, आपकी 12th में 5 साल, 17 साल की मेहनत को आप गिव अप कर दोगे, आगे सिर्फ जर्नी 2-3 साल की और रह गई है। तो जब 17 साल तक आपने अपना स्ट्रेंथ और अपना पैशन और अपना जो हिम्मत थी वो नहीं खोई, तो यहाँ पे भी आपके खोने का मतलब नहीं बनता, किसी भी पॉइंट पर जाके उस पॉइंट को उस टाइम से नहीं गिनना होता स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को हमें हमेशा मोटिवेट रहने के लिए
देखना पड़ता है कि इस चीज़ की जर्नी शुरू कब हुई थी। तो इस चीज़ की जर्नी शुरू हुई थी, आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। मैं अगेन कहूँगा कि यहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं होनी, कैसे भी करके ट्यूशन पढ़ानी है, चाहे JRF का एग्जाम क्रैक करना है, अगर वो पैशन है तो JRF का एग्जाम भी क्रैक होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है MPhil PhD। बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जो आपको PhD डायरेक्ट एडमिशन देती है, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि पहले गो फॉर MPhil देन PhD। PhD के लिए ये कुछ एग्जाम्स है स्टूडेंट जो हमें देने पड़ते हैं अलॉन्ग विद इंटरव्यू। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास PhD का क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट, राइट। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज है स्टूडेंट जो आपको क्या ऑफर कर रही है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज है स्टूडेंट जो आपको PhD डिग्री ऑफर कर रही है, ठीक है। PhD में आप अपना रिसर्च वर्क करते हैं, आपके ऊपर एक मेंटोर आपके प्रोफेसर होते हैं जिनकी गाइडेंस में आपको अलग अलग रिसर्च वर्क करने होते हैं, देन उनके बाद आपको क्या होता है PhD डिग्री आप होल्डर बन जाते हैं। PhD इन इकोनॉमिक्स जब आपके पास हो जाती है फ्रेंड्स, तब आप क्या कर सकते हैं, ये कुछ एब्रिविएशन है जो मैंने अलग अलग जो एग्जाम लिखे हैं उनकी है, गेट दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, नेट दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट कुछ 10 स्टेट्स में है, मतलब NET UGC NET का एक प्रिपेयर्ड है बट वो स्टेट अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। JRF जैसे मैंने आपसे कहा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इनके डेट से क्यों है कि कब कब इनके एग्जाम होते हैं। जब आपकी PhD कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड, फिर आप किसी भी थिंक टैंक के साथ काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हो किसी रिसर्च सेंटर या इकोनॉमिक्स का जो भी रिसर्च सेंटर है उनके साथ आप काम करते हैं। कुछ रिसर्च सेंटर्स मैंने लिखे हैं, अगेन कुछ लिखे हैं, बहुत सारे हैं, आप इनमें से किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, आप अपना जो भी आपने पढ़ाई करा फिर आप इनके साथ रिसर्च वर्क पे काम करते हैं, वही पॉवर्टी कैसे एलिमिनेट करनी है या जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनके लिए अलग अलग तरीके के काम होते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने लिखी है ड्यूटीज जो इकोनॉमिस्ट की होती है, एनालाइज करना, डेटा वगैरह एक्सप्लेन करना, फॉरकास्ट करना क्या प्रोडक्शन हो सकती है, क्या कंजम्पशन हो सकती है, दैट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट ऑफकोर्स की ने जो आपकी प्रोडक्शन की वजह से आपकी इकोनॉमीज को नुकसान पड़ रहा है ग्लोबली, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पढ़ना, इंटरनेशनल और नेशनल सिचुएशंस को एनालाइज करना, जर्नल्स इतना अदर मीडिया, अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे जर्नल्स, अब टाइम है फ्रेंड्स उन जर्नल्स को लिखने का। दैट इज वाई यू नीड टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। कभी मोटिवेशन खत्म हो वापस आ जाना इस वीडियो को देख लेना कि वो मेहनत जो आप एक साल की सोच रहे हो वो अल्टीमेटली 12-15 साल 17 साल की मेहनत है। रिसर्च करना अलग अलग इकोनॉमिक फेयर्स में काफी इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि भैया देश को बचाने का काम तो हमें दे दिया आपने, तो देश को बचाने का काम फ्रेंड जो है वो आपका है। तो ये आपकी ड्यूटीज होती है एज एन इकोनॉमिस्ट। जब फ्रेंड सक्सेसफुली आप ये सब कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बन जाते हो एक कंट्री के इकोनॉमिस्ट। So this is the idea that how you can become an economist. So friends, आज खत्म होती है हमारी why to और how to की जर्नी। I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप रिलेट कर पाए होंगे अपने हर प्रोफेशन को, हर करियर को इस पर्टिकुलर वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करें। रहता अगर आप हाउ टू शेयर नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली वाई टू तो शेयर करें, सो दैट हर पर्सन अपनी राइट चॉइसेस को डेफिनेटली अडॉप्ट कर सके, क्योंकि वी आर समटाइम मिसगाइडेड, हम बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड कर दिए जाते हैं बाकी सबके आइडियाज़ की वजह से, बाकी सबके पैशन की वजह से और बाकी सबके इंटरेस्ट की वजह से। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस, इस तरीके के एक्साइटिंग करियर ऑप्शन विद अ एवरी पर्टिकुलर रीजन व्हाई यू शुड डू दैट पर्टिकुलर और व्हाई यू शुड डू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन और चूज दैट करियर, मैं ऐसे करियर ऑप्शंस आपके पास लेके आता रहूंगा।